तेलंगाना के फेर में फंसे राजनीतिक दलों को रास्ता नहीं सूझ रहा। मुश्किल ये कि सूबे की हर पार्टी तेलंगाना में खुद तो अलग राज्य का समर्थन दिखाना चाहती है, लेकिन बाकी हिस्से में तेलंगाना विरोधी। सीमांध्र इलाके में चित्तूर जिले से आने वाले मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भी खुद को संयुक्त आंध्र प्रदेश के समर्थक के तौर पर पेश करते आ रहे हैं। अब तेलंगाना विरोधियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर राज्य का बंटवारा हुआ तो रेड्डी इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों की माने तो रेड्डी अपना यह इरादा कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में आलाकमान को जता चुके हैं। रेड्डी का रुख देख सीमांध्र के कांग्रेसी मंत्री भी इस्तीफे का राग अलापने लगे हैं। We don't want to leave the Congress party. Yeah. Want to be in the party? All whatever the group discussions, whatever the collective decision will be there. For anything we are ready. तेलंगाना के मुद्दे पर जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के 16 विधायक पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे चुके हैं। उनकी मांग है कि कांग्रेस तेलंगाना पर अपनी स्थिति साफ करे, लेकिन टीडीपी ने इस मसले पर चुप्पी साध ली है। पंचायत चुनाव में तेलंगाना में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सभी को कांग्रेस के फैसले का इंतजार है। कांग्रेस 31 जुलाई को इस मसले पर यूपीए के बाकी सहयोगी दलों से राय लेने वाली है। पार्टी का कहना है कि अंतिम फैसला वर्किंग कमेटी में ही होगा। कांग्रेस पार्टी बहुत संजीदगी के साथ उस पर गौर कर रही है। जो भी फैसला होगा तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को सामने रखकर होगा। सीडब्ल्यूसी इस मामले में आखिरी फैसला करेगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस तेलंगाना में रायलसीमा के दो जिले कर्नूल और अनंतपुर को मिलाकर रायल तेलंगाना बनाना चाहती है। इससे प्रस्तावित तेलंगाना राज्य में टीआरएस का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बाकी दलों को स्वीकार होगा। संजय तिवारी, हैदराबाद, IBN 7।